चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन? अ पीस ऑफ आयर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू फाइव इक्वल पार्ट्स, ओके, एंड दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश, देन द रेशियो ऑफ आर टू आर डैश। आपको R टू R डैश फाइंड करना है। R डैश क्या है? R डैश है पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब हमने पैरेलल कनेक्शन किए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। फॉर्मूला क्या है पैरेलल रेजिस्टेंसेस का? 1 बाय R डैश इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5। ठीक है, टोटल कितने पीसेज लिए? 5 पीसेज लिए। अब R1, R2, R3, R4, R5 इन सब की वैल्यूज क्या है वो निकाल लेते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से एक बार और रीड करते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, मतलब ये इस तरह का कोई वायर है जिसको हमने क्या किया, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया है। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना होगा पहले तो ये पता करना पड़ेगा। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 पार्ट्स हैं। अब अगर ये इक्वल पार्ट्स हैं तो सभी का रेजिस्टेंस भी इक्वली डिवाइड हुआ होगा, तो R बाय 5 होना चाहिए। इसका भी R बाय 5, इसका भी R बाय 5, इसका भी R बाय 5 एंड इसका भी R बाय 5। तो आपके पास ये R1, R2, R3, R4 एंड R5 की वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज जो है हम पुट कर देते हैं। तो 1 बाय आर डैश इज इक्वल टू 1 बाय आर अपॉन 5 प्लस 1 बाय आर अपॉन 5 और इसी तरह से आगे भी सारी वैल्यूज आर बाय 5 ही आएगी। ठीक है, अब ये तो क्या होगा, इन्वर्ट होकर 5 ऊपर चला जाएगा, मतलब 5 बाय आर बन जाएगा, ये भी 5 बाय आर बन जाएगा, ये भी 5 बाय आर बन जाएगा, सभी 5 बाय आर बन जाएंगे। और टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? अब यहां पर ध्यान दो, डिनोमिनेटर अगर सबके सेम है तो न्यूमरेटर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे और 25 बाय आर टोटल हमारी वैल्यू बन जाएगी। ये किसके इक्वल है? ये है 1 बाय आर डैश के। ये जो हमारी वैल्यू है ये 1 बाय आर डैश के इक्वल है। अब क्वेश्चन में एक बार और देखो क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है रेशो ऑफ आर टू आर डैश, आर टू आर डैश हमको फाइंड करना है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है ये आई है 1 बाय आर डैश इज इक्वल टू 25 अपॉन आर। अब बताइए आर बाय आर डैश करना है तो क्या करना है, इस आर को हम ऊपर पहुंचा दें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू 25 बाय 1 और 25। क्लियर है, ये आपका आंसर आया। अब इस आंसर को हम चेक कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। 25 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी नंबर ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन हम लोग चैप्टर के समय पढ़ चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर यूज करना है और उससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कौन सा सही ऑप्शन है वो चूज करना है। क्लियर, चलिए इससे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को देखिए। ये दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। अ पीस ऑफ आयर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इन टू 3 इक्वल पार्ट्स, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। दीज आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो R बाय R डैश आपको फाइंड करना है। इसका आंसर निकालिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है। 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम ईच आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। 5 ओम के हमने 4 रेजिस्टेंसेस लिए और इन सारे रेजिस्टेंसेस को हमने क्या किया है, एक स्क्वायर शेप में कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरह से। ठीक है,
और उसके बाद पूछा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स। तो डायगोनली अपोजिट आप कोई भी दो कॉर्नर्स ले सकते हैं, ये हमने ए बी कॉर्नर्स ले लिए, ठीक है। और कितना रेजिस्टेंस दिया है सभी का, 5 ओम। तो 5, 5 एंड 5। अब आप ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हिंट मैं आपको दे देता हूँ, ये दोनों जो होंगे ये दोनों सीरीज में होंगे, ये दोनों भी सीरीज में होंगे, और सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू आर डैश इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है। ये दोनों हमको सीरीज में मिलेंगे, सीरीज से हम ऐड कर देंगे, उसके बाद हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप आंसर निकाल करके मुझे बताइए कि कितना आता है, ठीक है। इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एक्सरसाइज टू देखिए। एक्सरसाइज टू में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर इसमें से कौन सा फॉर्मूला रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो फॉर्मूला तो पहले हम देख लें कि फॉर्मूला कौन कौन सा होता है। पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, ये एक फॉर्मूला तो हमारे पास है। तो इससे सी वाला ऑप्शन तो हमारा यही कट हो जाता है, क्योंकि सी ऑप्शन तो करेक्ट है। फिर ओम्स लॉ देखते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है वी इक्वल टू आई आर, ठीक है। और इसी तरह से आई इक्वल टू वी बाय आर, ये दो फॉर्मूले हमको ओम्स लॉ से मिलते हैं। ओम्स लॉ क्यों ढूंढ रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शन हैं उनमें सब में आर दिया है, और आर हमको ओम्स लॉ से ही मिलने वाला है। तो चलो वापस से पावर के फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी इक्वल टू आई आर, तो आई आर इंटू आई, मतलब ये फॉर्मूला हमारा बना आई स्क्वायर आर। तो देखो आई स्क्वायर आर इसमें है, बिल्कुल है आई स्क्वायर आर, फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, पावर का फॉर्मूला है। और इन्होंने पूछा क्या है कि डज नॉट रिप्रेजेंट द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। नेक्स्ट आई इक्वल टू वी बाय आर, इसको भी पुट करते हैं इसी फॉर्मूले में। तो पी इज इक्वल टू वी इंटू वी बाय आर, ये होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी स्क्वायर अपॉन आर देखो डी वाला ऑप्शन है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये तीनों ही ए सी और डी, ये तीनों ही इलेक्ट्रिकल पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन हमसे पूछा है डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमारा ऑप्शन होगा बी करेक्ट ऑप्शन, बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ए सी और डी हमारे रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है, क्लियर। इस फॉर्मूले पे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ये देखिए। फाइंड द पावर इन फॉलोइंग केसेस, वी आपको दिया है, किसी केस में आई दिया है, किसी केस में आर दिया है, और किसी केस में पी दिया है, और आपको अननोन क्वांटिटीज फाइंड करनी है। पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। जैसे आपको पावर फाइंड करनी है और वी और आई दिया है, तो पी इक्वल टू वी आई आप यूज कर लीजिए, यहाँ से आपको पावर मिल जाएगी। और आर अगर आपको निकालना है तो आप ओम्स लॉ यूज कर लीजिए, जो है वी अपॉन आई, वी अपॉन आई इक्वल टू आर, ठीक है। इस तरह से आप ये तीनों ही क्वेश्चन के जो अननोन क्वांटिटीज यहाँ पर दी है उन क्वांटिटीज को फाइंड कर सकते हैं, और मुझे कमेंट बॉक्स में 1, 2 एंड 3 तीनों के लिए आप 1 बाय 1 आंसर